हरियाणा के रोहतक में कांग्रेसी नेता व पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मंत्री दलाल ने राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने पर सवाल उठाए हैं। वे अभी मंत्री बने हैं, मैं 25 साल पहले मंत्री बना था, जेपी की औकात क्या है जो राहुल के बारे में यह सब कह रहे हैं? कौन सी दवाई खाते हैं? वे खुद केमिस्ट की दुकान पर जाकर पूछकर खुद खा लें। सुभाष बत्रा भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में राहुल गांधी पर दिए गए दलाल और दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि दुष्यंत कांग्रेस की छोड़े, अपने परिवार को संभाले। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी बत्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला दूसरों पर कटाक्ष करने से पहले खुद के गरेबान में जाकर जरूर देख ले। उन्होंने कांग्रेस को दड़ों में बटे होने का बयान दिया था, जिस पर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि दुष्यंत खुद के परिवार को संभाल ले, चाचा व दादा कहाँ है, खुद का परिवार टूटा हुआ है और बोल कांग्रेस पर रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, सभी नेता राहुल गांधी की यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वर्तमान सरकार अपना जनाधार खो चुकी है, इसलिए 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार में हर वर्ग दुखी है और अब चुनाव का भी इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी सरकार को सत्ता से बाहर कर सके। सुभाष बत्रा ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी राहुल गांधी की कोरोना को बहाना लेकर रोकना चाहती है। ये राहुल गांधी की पैदल यात्रा के घबराए और डरे हुए हैं, जबकि कोरोना चीन में फैला है। बीजेपी के लोग देश में कोरोना लाने वाले हैं। ट्रंप को लेकर कितनी भीड़ जुटाई थी, भूल गए क्या? इतनी यह रैली जनसभा कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा पर ही पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? राहुल गांधी की यात्रा रोकने से इनकार कर दिया। संसद को सत्र चला हुआ एक अध्यादेश जारी कर सभी की रैलियों और जनसभाओं को रोक लगा दो, हम भी उनकी पालना करेंगे। गुजरात में बीजेपी एक बड़ा फ्लावर उत्सव मनाने जा रही है, इन पर भी रोक लगे। एक तरफा कार्रवाई करने से इनकी मंशा साफ झलक रही है, यह राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहती है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।